सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए, राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है उसको काम करना नहीं है, वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अभी भी दरभंगा एम्स को लेकर सियासत बिहार में जारी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एम्स बनकर तैयार हो गया है दरभंगा में, जिसके बाद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अन्य जो नेता हैं वो इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो राजभवन पहुँचे, राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और यह कहा कि राज्य सरकार ने समय से ज़मीन नहीं दिया, जो ज़मीन मांगा गया था, जहां पर डीएमसीएच के पास जो है वो ज़मीन मांगी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र राज्य सरकार ने वहां पर ज़मीन नहीं दिया, जिसके कारण वहां पर एम्स नहीं बना। लेकिन यही बात को लेकर राज्यपाल के पास पहुँचे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो सांसद हैं दरभंगा से, वे तमाम जो है लोग वहां पर पहुंचे थे। अब इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जोरदार हमला करते हुए सीधे तौर पर जवाब दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार की जो मंशा है वो एम्स बनाने की है ही नहीं। जो डीएमसीएच बना है वो सबसे पुराना अस्पताल है, सबसे पुराना अस्पताल बात की जाए तो पटना, और पटना में एम्स बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये इच्छा थी कि सबसे पुराना जो डीएमसीएच है तो वहीं पर एम्स भी बने, और इसके लिए जो है राज्य सरकार ने ज़मीन भी दी और साथ ही साथ कहा जाए कि लगभग 300 करोड़ रुपए का मट्टी भराई का जो टेंडर है वो भी पास हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार की जो मंशा है वो एम्स बनाने की है ही नहीं। यह बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते नजर आए हैं। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है इस पूरे बयान, सांसद को जहाँ मन करे वहाँ परेड करे, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करनी चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि चाके जमीन चल के देखिए, जो जमीन चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, उस वह जमीन 6 लेन पर किनारे है, उस एम्स तक जाने के लिए राज्य सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय किया है, उस जमीन की मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो वर्तमान में है उसको भी अपग्रेड करके उसके लिए हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए, राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है उसको काम करना नहीं है, वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पटना में एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पटना में एक एम्स बन गया, और पटना के बाद बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था दरभंगा, वहाँ दरभंगा शहर में एक एम्स बनना चाहिए, और ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है तो वो राजनीति करते रहें, लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को
सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय ले लिया। काफी हमलावर है बीएमपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।